नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो होगी वो होगी नई दिल्ली से गुंटकल जंक्शन आंध्र प्रदेश तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ये वीडियो होगी वो होगी नई दिल्ली से गुंटकल आंध्र प्रदेश तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से गुंटकल के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नाम क्या है, नंबर क्या है, ट्रेन कौन से दिन नई दिल्ली के कौन से स्टेशन से कितने बजे रवाना होती है और गुंटकल में कितने बजे पहुंचती है, कितना समय लगाती है ये नई दिल्ली से गुंटकल तक पहुंचने के लिए, और कौन से दिन चलती है ट्रेन, और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस है, उसकी एवरेज स्पीड क्या है और कितना डिस्टेंस कवर करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। नई दिल्ली से गुंटकल जंक्शन के बीच में तकरीबन 5 ट्रेनें चलती है। एक राजधानी ट्रेन है, एक संपर्क क्रांति ट्रेन है, एक दुरंतो ट्रेन है, एक सुपरफास्ट ट्रेन है और एक हमसफर ट्रेन है। सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है हजरत निजामुद्दीन KSR बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस, जो कि 27 घंटे 40 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं नई दिल्ली से गुंटकल जंक्शन तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक एक करके इस वीडियो में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली ट्रेन है जो कि नई दिल्ली को गुंटकल जंक्शन से कनेक्ट करती है वो है कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 5 दिन चलती है। ये जो ट्रेन है हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली से हरिद्वार सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 8:20 पर 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 31 घंटे बाद ये ट्रेन जो है 3:20 पर अगले दिन गुंटकल जंक्शन में पहुँच जाती है। इसके तकरीबन 9 स्टेशन से 2026 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 65 किलोमीटर पर आवर। इसका ट्रेन नंबर है 12650। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। अगर बात करें दूसरी ट्रेन के बारे में वो है जम्मू तवी तिरुपति हमसफर एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली के दिल्ली सफदरगंज से गुंटकल जंक्शन के बीच में चलती है। दिल्ली सफदरगंज से हर शुक्रवार को शाम को 5:03 पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और गुंटकल जंक्शन में 31 घंटे 37 मिनट बाद रात के 12:40 पर ये पहुंच जाती है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे और इसका ट्रेन नंबर है 22706। वैसे ये ट्रेन जो है जम्मू तवी से तिरुपति के बीच में चलती है, बट हम जो डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं वो नई दिल्ली से गुंटकल तक कर रहे हैं। 31 घंटे 37 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। तकरीबन 9 स्टेशन से 2078 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 66 किलोमीटर पर आवर। हम सफर टाइप की ट्रेन है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसमें सिर्फ थर्ड AC के कोच होते हैं और इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो तीसरी और सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है इस रूट पे वो है हजरत निजामुद्दीन KSR बेंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस, जो कि डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। हजरत निजामुद्दीन से ये हर रोज चलती है। शाम के 7:50 पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और गुंडकल जंक्शन में 27 घंटे 40 मिनट बाद रात के 11:30 पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुंचती है आंध्र प्रदेश में और इसके तकरीबन 13 स्टेशन से 2073 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 75 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC के कोच हैं इसमें। इसका ट्रेन नंबर है 22692 और राजधानी टाइप की ट्रेन है और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। ये नई दिल्ली से गुंटकल को कनेक्ट करती है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। इसके बाद जो चौथी ट्रेन है जो कि नई दिल्ली को गुंटकल से कनेक्ट करती है वो है कर्नाटका एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 12628। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से हर रोज चलती है रात के 8:20 पर और 33 घंटे में ट्रेन जो है नई दिल्ली से गुंटकल को कनेक्ट करती है। 8:20 पर हर रोज रात को 6 नंबर प्लेटफॉर्म से नई दिल्ली से चलती है और अगले दिन यानी कि 33 घंटे बाद ये ट्रेन जो है 5:20 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे गुंटकल जंक्शन में पहुंचती है। ये सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है पांचों ट्रेनों में और इसका ट्रेन नंबर है 12628। इसके तकरीबन 26 स्टेशन से 2090 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 63 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और इसके अलावा एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है इसे ऑपरेट करता है। इसके बाद नई दिल्ली को गुंटकल से कनेक्ट करने वाली जो आखिरी ट्रेन है वो है दुरंतो एक्सप्रेस, जिसका पूरा नाम है दिल्ली सराय रोहिला यशवंतपुर AC दुरंतो एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 12214 और 28 घंटे 35 मिनट में ये ट्रेन जो है दिल्ली को गुंटकल जंक्शन से कनेक्ट करती है। दिल्ली सराय रोहिला से
ये ट्रेन जो है हर सोमवार को रात को 10:10 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 28 घंटे 35 मिनट बाद ये ट्रेन जो है रात के 2:45 पे 2 नंबर रेलवे स्टेशन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गुंडकल जंक्शन में पहुंचती है। इसके तकरीबन 7 स्टेशन हैं, 2085 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है, हर सोमवार को चलती है। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोच हैं। इसका ट्रेन नंबर है 12214। दोस्तों इसी के साथ नई दिल्ली से गुंडकल जंक्शन तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।